हमारे दरमियान में बहुत दूर दूर से लोग आए। मैं चाहता हूँ कि राजा साहब के सुपुत्र कुंवर युवराज कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह दौलत आपके लिए पहली बार आए हैं हमारे शहर में। बहुत सारे लोगों का अरमान था, उन्होंने देखा नहीं था। अली खान साहब, मंचा सिंह और यहाँ उपस्थित आज सभी महानुभाव, आप सबको सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ आकर हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुशायरे के बहाने ही सही, लेकिन आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला हमको। अकमल मियां के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिस अपनेपन से उन्होंने हमें बुलाया तो हमको आना ही पड़ा। भाइयों, आज जिस मकसद से हम यहाँ पे मौजूद हैं, हिंदू मुसलमान सभ्यता के बारे में, तो ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। हिंदू सभ्यता मुसलमान सभ्यता ये हजारों साल से एक साथ इस हर जमीन पर हैं, और इसको देखने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अगल बगल ही देखेंगे तो ये गंगा जमनी कल्चर जो हम लोगों का है वो साफ दिखाई देता है। त्योहार कोई भी ले लीजिए, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, उसमें दोनों लोग बराबर भागीदारी लेते हैं। यहां तक कि मुहर्रम में भी जो पहला ताजिया उठता है हमारे सिटी पैलेस से उठता है, जो हम लोगों का पुश्तैनी घर था, और हजारों की तादाद में हिंदू भाई भी हुजूम में आते हैं बाबा को सलाम करने के लिए। हम लोगों के यहाँ आज भी एक दूसरे को सलाम कहा जाता है। ये प्रणाम और ये सब तो बाद में आया है। इतिहास की बात करें तो बलरामपुर रियासत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी, और इसको उस मुकाम पे पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो महाराजा दिग्विजय सिंह को जाता है, जो हमारे दादा के दादाजी थे। उनकी जीवन गाथा अभी किताब के रूप में कुछ ही दिन में मतलब छपके आएगी। आप उसमें पाएंगे कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ में कंधे से कंधे मिला के बलरामपुर के नाम के लिए काम किए, उसमें खप गए, और आज मतलब बलरामपुर का ये नाम हिंदुस्तान भर में कायम है। हम इससे थोड़ा पहले चलें तो हमारे मालिक लखनऊ के नवाब आखिरी वाजिद अली शाह साहब, उनकी जीवन के बारे में कोई अगर पढ़े और अगर उनका नाम इस्तेमाल न किया जाए तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो हिंदू थे कि मुस्लिम। तो बात हो रही थी लखनऊ के नवाब साहब की, उनका बसंत पंचमी मनाने का जो तरीका था वो आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। उनका मछली के शेप का एक नाव हुआ करता था और उसमें सब लोग पीला वस्त्र धारण करके शास्त्रों के मुताबिक जो रासलीला का जो पूरा नाटक है उसको वो परफॉर्म किया करते थे, और वो खुद श्री कृष्ण बनते थे। उनसे बड़ा सेक्युलर कोई है आज दुनिया में? इस तरीके के मुशायरे और सम्मेलन हमेशा होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने कल्चर को जाने। और अंत में हमारे एक कई आशा है कि बेकल उत्साही साहब के नाम तो सभी जाना था, उन्हीं के तरह अकमल बलरामपुरी और जितने हुनरदार लोग यहाँ बैठा हैं उन्हों के नाम बलरामपुर के जो है चार चांद लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद।